इसलिए मैं पूजा का ब्लॉग दिखाती ही नहीं हूँ। तो आज मैं पूरी तरीके से बताऊंगी कि मैं क्यों पूजा नहीं करती हूँ और क्या कारण है, क्या मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती हूँ, मुझे पूजा पाठ करना आता नहीं है, चाहे तो मुझे पूजा में मन नहीं लगता है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आज। तो आपने जो सलाह दिया बहुत ही अच्छा दिया। और राधे राधे दोस्तों, प्रीतिचुड़ा से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जी भक्त, अभी सामने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैंने संडे को लास्ट ब्लॉग बनाया था, उसके बाद नहीं बनाई हूँ, तो संडे वाला ब्लॉग ही आप लोग अब तक देख रहे थे। कारण यही है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं, बस बेड में पड़ी हुई थी। बाबू का भी बहुत तबीयत ख़राब है, उसको खांसी का दवा कल ही दिलाया है। लहसुन और सरसों का तेल लगा रहे थे, मतलब लहसुन को जला करके। उसे थोड़ा तो हुआ है, मगर उसको खांसी बहुत जोर से हो गया, सर्दी भी, तो तुरंत रिलैक्स नहीं हो रहा है। मेरा भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा। कल बदन में बहुत, 2 दिन तक बहुत पेन था पूरा बॉडी में, और नाक तो मतलब बह रहा है एकदम, तो ऐसा ना पानी की तरह। और अभी साफ उफ करके बैठे हैं, तो अभी नहीं बहेगा, पूरा निकाल दिए। सॉरी, बहुत लोगों को ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, बट मतलब सर्दी एक ऐसा चीज है ना, पूरा दिमाग का नस को ना जकड़ लेता है ना, एकदम कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। और खांसी भी है, गला में सुरसुराहट है, खुल के नहीं हुआ है, बट लग रहा है खांसने का मन कर रहा है, और अंदर से एकदम खुजली हो रहा है पूरा, यहाँ पे लग रहा है एकदम कुछ रहता है तो घुसा एकदम खखोर देते मस्त एकदम। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अभी मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना, अभी स्टार्टिंग में सबका ऐसा ही तबीयत खराब होगा, इसलिए आप लोग अभी से ही सचेत हो जाइए। और काजल जी, आपने जो कमेंट करा ना कल, मैं रिप्लाई नहीं की, क्योंकि आपको कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, और बहुत मतलब ऐसा लगा ना कि कोई मेरा दुखती रग में नस में हाथ रख दिया हो, ऐसा मुझे तकलीफ हुआ। आप सोच रहे कि मैंने आपने ऐसा क्या कहा है, आपने तो बस पूजा करने का ही सलाह दिया है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुआ और मैं बहुत टेंशन में हूँ उस समय से। और मैं रिप्लाई नहीं करी ना, वीडियो बना के ही सोचा कि सबको रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मैं पूजा पाठ नहीं करती, क्योंकि मेरा ब्लॉग में सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखा ही चुकी हूँ, बस पूजा का चीज़ मैं नहीं दिखाती हूँ। तो मैं पूजा अभी बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैं पूजा का ब्लॉग दिखाती ही नहीं हूँ। तो आज मैं पूरी तरीके से बताऊंगी कि मैं क्यों पूजा नहीं करती हूँ और क्या कारण है, क्या मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती हूँ, मुझे पूजा पाठ करना आता नहीं है, चाहे तो मुझे पूजा में मन नहीं लगता है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आज। तो आपने जो सलाह दिया बहुत ही अच्छा दिया। और कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें मतलब इंसान पूजा ना करे तो अच्छा लगता है, सबका मन करता है कि पूजा पाठ करे, जिस भी धर्म से रिलेटेड हो। तो मैं क्या नास्तिक हूँ? नहीं, मैं भी नास्तिक नहीं हूँ दोस्तों। और आप सभी को पता ही है, घर में छोटा बच्चा है, मेरा पैर में यीशु है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग को शायद मैं कभी कभी ब्लॉग में पूरी चीज़ें नहीं दिखा पाती हूँ अपनी परेशानियाँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, मैं खुद से कैसे सब कुछ कैप्चर कर पाऊंगी। तो मैं आज वही बता रही हूँ आप सबको कि पूजा करना मेरे लिए क्यों परेशानी है, क्यों संभव नहीं है। तो मन तो मेरा बहुत करता है कि मैं पूजा करूं, क्योंकि पूजा करने से मन को बहुत सुकून मिलता है, तसल्ली मिलता है, मन में जो बेचैनी रहता है उसको जाके शांति मिलता है, क्योंकि कोई समझे ना समझे ऊपर वाला समझते हैं, और भगवान को तो ऐसे कहीं भी बैठ के याद कर लेता है इंसान, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए घंटी बजाए, अगर बत्ती जलाए तो ही भगवान को याद किया जाता है। मगर हाँ, एक जगह बनाया गया है, एक जगह तय की गई है, दिमाग में वो बातें हैं कि हम वहाँ बैठेंगे तो जरूर मन को वहाँ से ज़्यादा शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, ऐसा मन में है। तो इसीलिए पूजा करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। बट मेरे साथ क्या है, देखिए काजल जी, पापा बिल्कुल छोटा है, और मतलब जब किसु नहीं था तो मैं पूजा पाठ करती थी, कुछ दिनों तक करती थी उससे पहले, और उससे पहले भी नहीं करती थी, क्योंकि तब सगुन छोटी थी। तो सगुन तो अभी 6 साल की हुई है, उससे पहले जब बाबू था तो वो 4 साल की थी, उससे पहले तो मतलब यही सिचुएशन रहा है, लेकिन फिर भी करते थे। और शादी से पहले मैं कंटिन्यू बृहस्पतिवार का जो पूजा होता है, वो शादी के बाद भी बहुत सालों तक करा मैंने, और उससे पहले भी, और धूमधाम मतलब कि बहुत प्योरिटी के साथ करती थी, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ खाना खा लिए पूजा करके, ऐसा वैसा नहीं,
मैं जिस जिस भी काम में लगती हूँ ना, बहुत बारीकी से वो काम करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बस नाम का मैंने कर लिया तो ऐसे वैसे ये सारी चीजें नहीं हो पाती है मुझसे। अभी मैं पूजा करूंगी, कोशिश तो मैंने फिर भी किया था। कुछ दिनों पहले मैं घर गई थी मायके मेरा, तो उसमें मैं फिर से बृहस्पतिवार का पूजा उठाई हूँ, मतलब वो उद्यापन कर रही हूँ। नहीं क्या बोलते हैं, देखिए ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब फिर से स्टार्ट करना, जिसको कहते हैं प्रारंभ करना, वो करा मैंने। पंडित जी से बुला के विधिवत स्टार्ट कराया था, बट एक एक दो सप्ताह ही करी थी मैं। पुराने वाले डेरा में जब थी तब एक दो सप्ताह किया मैंने। उसके बाद है सो पता चला कि मेरा टाइमिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूजा करने के बाद क्या है कि आप है सो छोटा बच्चा है, पोटी कर दिया, टॉयलेट कर दिया, चाहे तो कुछ भी कर दिया। मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी, उस समय भी 4 बजे ही उठती थी, और 4 बजे उठ के नहा करके तब पूजा उठा करती थी। फिर खाना बनाना पड़ता था दोस्तों, फिर किचन में जाना पड़ता था, और फिर उसके बाद किचन से आके शगुन के पीछे लगना होता था, और फिर शगुन के दौरान फिर बाबू को भी इसी दौरान खाना खिलाना पड़ता था। मतलब और ऊपर से फास्टिंग रहते थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। मतलब बॉडी में मेरा ताकत तो है नहीं, कुछ खाना एक्स्ट्रा भी नहीं है, प्लस अब बॉडी में वो बातें नहीं रह गई कि कुछ भी चीज़ मैं सफ़र कर लूँगी, शरीर भी टूट जाता है। अभी मैं बैठी हूँ ना तो पीठ को ऐसे करके बैठी हूँ, कभी मैं स्ट्रेट नहीं बैठ पाती हूँ, दर्द होता है बहुत ज़्यादा कमर में, पीठ में, रीढ़ का हड्डी में, हमेशा एनी टाइम रहता है। सीजर बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं अगर पूजा करूंगी तो सबसे पहले तो मुझे सुबह उठ के पोछा लगाना होगा पूरा घर को, और ये बच्चा भी सो जाता है, और हस्बैंड भी ऐसे हैं, आप सभी को पता है कि 1% भी कोऑपरेटिव नहीं है। और अगर मैं इतना सक्षम ही होती कि मैं सारे तरफ कर लेती तो फिर मैं इतना चिड़चिड़ाती नहीं, मैं मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, और मैं बात बात पर रोती भी नहीं। कारण यही है कि मैं तालमेल नहीं बैठा पाती, बहुत मुश्किल से सारी चीजें करती हूँ। अभी मैं घर पहुंचूंगी पूरा पूजा करने के लिए, किचन साफ करना होगा प्रॉपर तरीके से। यही करने में तो मेरे स्पीड से आप लोग सोच लीजिए कितना बच जाएगा। फिर सब उनको स्कूल भेजना पड़ेगा, उसको भेजने के बाद फिर ये आदमी रहता है, इसको जाने का रहता है, ये तो हर प्रत्येक दिन आप लोग जानते हैं कि मुझे ऐसा बात बोलता है जो मुझे सच में पसंद नहीं आता, मुझे इसकी कोई बातें नहीं अच्छी लगती है। मैं बहुत मतलब मुश्किल से ऐसा कोई दिन होता है ना कि जिस दिन मैं अपने आप को इसे दूर रखती हूँ तो मेरा माथा शांत रहता है, अगर बात कर लीजिएगा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब पूजा पाठ करिएगा दिमाग में शांति से, नहीं करिएगा फिर क्या फायदा होगा। पूजा करने बैठ जाइए, बच्चा आपका पोटी कर देगा, टॉयलेट कर देगा, आप क्या कर सकते हैं ना, आप उधर ध्यान दीजिएगा ना इधर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद फिर शगुन आएगी, उसके पीछे पढ़ाइएगा, संझा संझा बत्ती होता है शाम को जो प्रत्येक घरों में होना चाहिए, उससे बहुत पॉजिटिव चीजें अंदर आती है, बहुत कुछ होता है, हाँ प्रत्येक शाम को करना चाहिए। बट शगुन को जानते हैं आप लोग, 2 बजे से मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना, 5:30 बज जाता है। अब बताइए शाम को मैं क्या करूँगी, फिर से कपड़ा धोना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको पढ़ाने के बाद ही मैं बर्तन बर्तन धोती हूँ दोस्तों, और शाम को मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो बहुत कुछ भी तालमेल नहीं बैठ पाया ना काजल जी, कुछ भी नहीं। तो मैं कैसे पूजा करूँ, मन तो बहुत करता है कि मैं पूजा करूँ, और थोड़ा सा बस कष्ट है, और थोड़ा सा बाबू समझ जाए, बड़ा हो जाए, इसको स्कूल दोनों बच्चों को साथ में भेजने के बाद मेरे पास थोड़ा समय बचेगा कि मैं पूजा पाठ और अपने आप को दे पाऊँ। मैं चाह करके भी कभी कभी नहीं नहा पाती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, अभी जब से वीडियो बना रही हूँ बच्चा बड़ा हो रहा है तो मैं नहा लेती हूँ, मेरा इधर इधर जान दे इतना काला हो गया था ना, मुझे कोई पहचान नहीं पाता था, जो लोग पहले देखे थे और उसके बाद बाबू के होने के बाद लोग देखते थे, बहुत ज्यादा मेरा बॉडी बहुत ही अजीब हो गया था, खुद को टाइम नहीं दे पाते। ब्रश मेरा टीथ इतना खराब हो गया ना, जगह जगह ब्लैक कैविटी हो चुका है, मालूम है क्यों, क्योंकि मैं ब्रश भी नहीं कर पाती हूँ। जब तक मैं ब्रश करने जाती हूँ ना ये बच्चा रोना धोना स्टार्ट कर देता है, कभी कभी मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ। मैं आप लोग देखते हो मैं जल्दी आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, कारण बनता ही नहीं है कुछ, तो मैं क्या शेयर करूंगी, खाना ही नहीं बनता है। बहुत मुश्किल से कभी कभी कुछ बनाती हूँ, और नहीं तो बस बच्चों को कुछ खिला दिया, उन लोगों का पेट भरा रहना चाहिए। मैं अपना अधिकतर समय खाली पेट में निकालती हूँ, ना तो मेरे पास समय है दोस्तों, और ना तो मुझे कोई समझने वाला है कि हाँ ऐसा है तो इसको कम से कम भुकाना नहीं चाहिए, हल्ला नहीं कराना चाहिए, शोर, मतलब मैं क्यों चिल्लाती हूँ, क्या मैं ऐसे ही थी। जब आप किसी को भी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी दे देंगे ना तो वो ऐसे ही चिड़चिड़ा जाता है। अब मेरी स्थिति कैसी है,
मैं अपना ही चीज तो बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, ऐसे में दो बच्चे कर संभालना, घर संभालना, ये वो सारी चीजें तो बहुत परेशानी होता है। अब आप कहिएगा कि शादी क्यों की थी? देखिए शादी तो मैंने किया था तो ये करने के लिए नहीं किया था, मुझे तो पढ़ाने का ही बात बोला गया था, मैं पढ़ना भी चाहती थी, उसके बाद करती तो कुछ सिचुएशन अलग रहता, पढ़ने के बाद मैं भी कहीं काम वाम करते, जॉब वॉब करते, कुछ भी करते तो एक आदमी रख सकते थे। आदमी मेरा जितना हमको दिया था, हिम्मत धड़ास दिया था, ढाढ़स दिया था कि मेरा पूरा परिवार तुमको सपोर्ट करेगा, हम लोग सबको ही करेंगे, तो अगर कुछ 1% भी रहता ना तो सारी चीजें वैसे ही चल रही होती, बट एवरी वन लेफ्ट मी, तो सब लोग छोड़ दिए हैं, तो मैं अपने मुश्किल हालात में बस किसी तरह जी खा रही हूँ, और इससे ज्यादा हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। और हंसना हंसना तो मैं भूल ही गई थी, चिड़चिड़ाती रहती थी पूरा टाइम, आप लोग का प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, तो मैं थोड़ा सा हंस खेल भी लेती हूँ, थोड़ा सा सुबह उठती हूँ तो मन करता है कि नहीं वीडियो बनाना पड़ेगा, कभी एक्साइटमेंट में बनाती हूँ, कभी जबरदस्ती बनाती हूँ, लेकिन कर रही हूँ। तो बस कुछ समय और बात है, मन को मैंने तसल्ली दिया है कि उसके बाद मैं भी शायद चीजें करूंगी तो मेरे मन में भी इतना बेचैनी नहीं रहेगा। और कजल जी, मैं जानबूझ के ही वीडियो बना के आपको रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मन में ऐसा होगा सवाल, बट वो नहीं पूछ पाते हैं, चाहे नहीं बोलना समझते, लेकिन जानना होगा सबको, तो इसीलिए मैंने कमेंट के माध्यम से ही बताया, वीडियो के माध्यम से ही बताया। तो उम्मीद करती हूँ काजल जी कि अभी आप समझ गए होंगे, और वैसे भी आप समझती हैं सारी चीजें, बट आपको लगा कि नहीं पूजा पाठ करना चाहिए, मैं भी बहुत करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा मन करता है, यहीं पे है, अगर कर लूँ तो क्या दिक्कत है, बट ऐसा है कि बिना नहाए धोए आप कर नहीं सकते हैं, रोज मैं नहाती भी नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं नहा पाती हूँ कभी कभी, तो बहुत सारे सिचुएशन है, क्योंकि जो मैं इधर उधर थोड़ा सा करती हूँ ना, जैसे खाना नहीं बनाया मैंने तो उसमें रेस्ट कर लेती हूँ, नहाई नहीं नहाया मैंने तो उसमें भी थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे देती हूँ, बस इसी तरह मेरा चल रहा है, एक दिन रेस्ट करती हूँ, एक दिन करती हूँ। हाँ कभी कभार पूजा हो सकता है, अब मैं करूँगी, मैं वही सोच रही हूँ कि कभी कभार, रोज तो नहीं पॉसिबल है, बट कभी कभी करने का सोच रहे हैं, अब वो कब से होगा मुझे नहीं पता, और स्पेशली सगुन के पीछे मुझे बहुत टाइम देना होता है, उसको खाना और पढ़ाना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अब सभी को पता है मैं ट्यूशन नहीं दे सकती हूँ, दो कारण, एक तो पैसा अगला देता नहीं है, देगा नहीं है ना, और अगला किधर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, दो कारण है। अब मरता क्या ना करता, मैं छोड़ दूंगी अगर पढ़ाने तो, उसको स्कूल से मुझे रोज कंप्लेन आता है टीचर का कि सगुन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, लिखती बहुत स्लो है, पढ़ने में उसका दिमाग ठीक है, पढ़ लेती है सारी चीजें, याद भी कर लेती है, आप उसको जितना पढ़ाई हुआ है पूछोगे ना कहीं से बता देगी, बस लिखने में स्लो है, और वही मैं लिखाने में ही मतलब मुझे इतना घंटा लग जाता है, क्योंकि 1 क्लास में है ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको सारा सब्जेक्ट है, तो बहुत कुछ पढ़ाना रहता है, मेरी शाम को पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को यकीन नहीं होगा, मेरी ये वाली आंखें ना ऐसे टेढ़ी हो जाती है, मतलब मैं इसे प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा एक आंख में भी इफेक्ट है, जब मुझे पोलियो हुआ था ना तो एक आंख में भी इफेक्ट था, तो जब मैं पढ़ती थी उसमें मैं चश्मा पहनती थी, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द करता था, और सेम सिचुएशन अभी हो गया है, अब इतना मेन होने के बाद कहाँ से टाइम मिलेगा मुझे कि अलग से करना, मतलब बस यहाँ पे पड़ी रहती हूँ ऐसे, बस वही ठीक लगता है, बैठा भी नहीं जाता है, ऐसे ऐसे रहते, पहले ऐसे रहते थे हमेशा, अब ऐसे हो गए, धीरे धीरे सोने का टाइम आ रहा है, ऊपर जाने का, तो चलिए बाय बाय, आप सब प्लीज प्यार देते रहिएगा, और आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि जब ये सारी चीजें होती है ना, सर्दी जुकाम बहुत खराब लगता है, और मैंने बैंगल्स पहना है अच्छा लगा, इस तो रेड कलर तो अच्छा ही लगता है, को भी बहुत चीजें मन करती है, बट मैं सबको मन मार के रखी हूँ, कभी समय आएगा तो ऊपर वाले भी मुझ पर भी मेहरबानी होंगे, तो पहना जाएगा तब सारी चीजें किया जाएगा, बट अभी तो सब कुछ को मैंने दरकिनार कर रखा है, बस बच्चों बच्चों को ही देखती हूँ, क्योंकि अभी इनको मेरी बहुत नीड है, और किसी को, अगर मैं कुछ अगर पूजा पाठ ना करूँ कुछ दिन तो भगवान भी नाराज नहीं होंगे, बट अगर मैं बच्चों का प्रॉपर ख्याल नहीं रखूंगी ना तो इधर का उधर हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं अभी इस पे ही फोकस कर रही हूँ कि भगवान मुझे जिम्मेदारी दी है, बाखूबी मुझे इस चीज को भी निभाना है।